मेघालय में साल 2023 के मार्च महीने में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस की जानिब से 60 सीटों में से 52 सीटों के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जा चुका है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर तृणमूल कांग्रेस की जानिब से मेघालय में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें 8 MLA भी शामिल है। मुकुल संगमा ने कहा है कि बहुत जल्द 8 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। याद रहे कि दिसंबर में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी मेघालय के दौरे पर गई थीं। इम्कान है कि तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी इस महीने भी मेघालय के सफर पर रवाना हो सकती हैं, जहां एक सभा को भी संबोधित करेंगी। वाजा हो कि साल 2018 में विधानसभा चुनाव मेघालय में हुआ था और उसके बाद मार्च महीने के साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मेघालय में साल 2023 के मार्च महीने में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस की जानिब से 60 सीटों में से 52 सीटों के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जा चुका है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर तृणमूल कांग्रेस की जानिब से मेघालय में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें 8 MLA भी शामिल है। मुकुल संगमा ने कहा है कि बहुत जल्द 8 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। याद रहे कि दिसंबर में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी मेघालय के दौरे पर गई थीं। इम्कान है कि तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी इस महीने भी मेघालय के सफर पर रवाना हो सकती हैं, जहां एक सभा को भी संबोधित करेंगी। वाजा हो कि साल 2018 में विधानसभा चुनाव मेघालय में हुआ था और उसके बाद मार्च महीने के साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मेघालय में साल 2023 के मार्च महीने में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस की जानिब से 60 सीटों में से 52 सीटों के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जा चुका है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर तृणमूल कांग्रेस की जानिब से मेघालय में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें 8 MLA भी शामिल है। मुकुल संगमा ने कहा है कि बहुत जल्द 8 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। याद रहे कि दिसंबर में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी मेघालय के दौरे पर गई थीं। इम्कान है कि तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी इस महीने भी मेघालय के सफर पर रवाना हो सकती हैं, जहां एक सभा को भी संबोधित करेंगी। वाजा हो कि साल 2018 में विधानसभा चुनाव मेघालय में हुआ था और उसके बाद मार्च महीने के साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है।